हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो वर्ड है THE, उसको कहाँ पे तो हम द की तरह प्रोनाउंस करें और कहाँ पे हमें उसे दी की तरह प्रोनाउंस करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि द कहाँ प्रोनाउंस होता है और दी कहाँ प्रोनाउंस होता है। तो आपने वॉल्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो लेट मी टेल यू कि जो हम साउंड जो हमारी प्रोड्यूस होती है जब हम कोई उच्चारण करते हैं किसी का, तो जब वहाँ पे एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती है उसको हम वॉल्स बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में 5 हैं, AEIO एंड U। अगर आप इसका हिंदी में पैरल देखें तो हिंदी में इनको स्वर बोला जाता है, स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर में जहाँ पे हवा आपके उसके प्रोनाउंस करते टाइम, उसके उच्चारण के वक्त आपके जो हवा है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं वाउल्स। और जब मैं ये कह रही हूँ कि ये 5 होते हैं, तो आपने बिल्कुल इसी में आपने लेटर नहीं देखना है कि यू लिखा है तो ये वाउल हो गया, है ना। तो जैसे अब यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न शब्द क्या है, UNICORN। तो अब आप बोलोगे ये तो यू से स्टार्ट होता है तो ये वॉल की साउंड देगा, बट यहाँ पे ये य की साउंड दे रहा है ना। जैसे अब है अनइम्पॉर्टेंट, तो अनइम्पॉर्टेंट में यू से स्टार्ट हो रहा है, UNIMPORTENT, तो यहाँ पे वो यू जो है वो अ की साउंड दे रहा है, अन, तो ये वाउल हुआ। आपको पहले ना वाउल और कॉन्सोनेंट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम बोलते हैं ही इज एन MLA, तो मैंने एन क्यों यूज़ किया, लिखा तो मैंने MLA है पर मैंने उससे उसके आगे एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो MLA, तो जब मैं एम बोल रही हूँ तो पहले ए की साउंड आ रही है ना, तो वॉल की साउंड आ रही है। तो खैर ये था थोड़ा सा वॉल का और कॉन्सोनेंट का ज्ञान। तो आज मैं आपको बताने वाली थी कि हम द कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। जब हमारा जो लेटर है वो हमारा किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश के जो लेटर्स हैं सारे 26, वो आपको मालूम है A to Z, तो उसके जो ये 5 आप वाउल्स निकाल दें तो बाकी जो भी आपके जैसे B है, C है, D है, F है, G है, जो भी इन शब्दों से शुरू होते हैं, जब भी उसके आगे THE लगता है तो वो द की साउंड देता है। द बुक, द कॉपी, द जंगल। लेकिन जब हमारा वर्ड जो है वो वाउल से स्टार्ट होता है, वाउल की साउंड से स्टार्ट होता है, तो वो दी बन जाता है। दी एलिफेंट, दी एंट, दी एनवेलप। तो यहाँ पे वर्ड तो सेम ही है, THE हमारा वर्ड सेम है, लेकिन जब हम उसकी जो साउंड है वो हमारी चेंज हो जाएगी, एक में हमारा प्रोनंसिएशन दी हो जाएगा, एक हमारा द हो जाएगा। तो आई होप कि आपने आज थोड़ा बहुत कुछ सीखा है कि हम द कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ के लास्ट में बोला जाता है दी एंड। अब दी एंड क्यों है, क्योंकि दी के बाद में जो शब्द आया है एंड वो ई से आ रहा है, ए दी एंड, है ना, एंड ए की साउंड आ रही है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर चलिए आपका थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड टाइप का हो जाए, तो मैं कुछ आपसे वर्ड्स बोलूँगी तो आपने खुद से बताना है कि या कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि उसके आगे कैसी साउंड आएगी, लॉन्ग आएगी, दी आएगी या द आएगा। तो वर्ड है फोन, आपने देखना है द आएगा कि दी आएगा। एस्ट्रोनॉट, थर्ड टेबल, डोर, एंजल्स, इतने शब्द काफ़ी हैं, जस्ट टू चेक यू एंड यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ ही आपने कुछ सीखा है या कितना सीखा है। एंड डू लेट मी नो इफ़ इट इज़ ऑफ एनी हेल्प टू यू, आपको समझ आया या नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वॉज इट यूजफुल फॉर यू और नॉट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Love you all. God bless you.